हाउ टू मेक 5000 प्लस फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। फेसबुक प्रोफाइल में 5000 से ज़्यादा फ्रेंड्स के स्टेप से ऐड करें, ये टॉपिक आज का इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कैसे जब भी फेसबुक पर आपके 5000 प्लस फ्रेंड्स हो जाते हैं तो आपको जब भी कोई बंदा रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ स्टेप की नोटिफिकेशन शो होती है कि आपने ऑलरेडी जो लिमिट है 5000 की वो क्रॉस कर ली है, आपके ऑलरेडी 5000 प्लस फ्रेंड्स हो गए हैं, अब आप किसी भी पर्सन को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए गाइस, इसका क्या सलूशन है, मैं आपको सिंपल वेज में बता रहा हूँ। देखिए गाइस, जब भी कोई बंदा हमारी प्रोफाइल पर विजिट करता है तो उसको कुछ इस टाइप का ऐड फ्रेंड का बटन वहाँ पर शो होता है। सिंपल, वो ऐड फ्रेंड के बटन पर क्लिक करके हमें रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हम उसके दोस्त बन जाते हैं। बट इनकेस जब हमारे 5000 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुके होते हैं तो हम किसी भी पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए गाइस, अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलो का बटन लगा रखा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर विजिट करेगा वो फॉलो के बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको फॉलो कर लेगा। डजंट मैटर कि आपकी प्रोफाइल पर 5000 प्लस फ्रेंड्स हो गए हैं या नहीं। तो आज की सिंपल सी वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूं कि फेसबुक पर ऐड फ्रेंड का बटन हटाकर फॉलो का बटन किस टाइप से लगाएं, जिससे कोई भी पर्सन हमें डायरेक्ट फॉलो करके हमारा फ्रेंड्स बन सके, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर लोग हमें फॉलो करते हैं। एंड गाइस, यहां पर आपका एक मिथ मैं और क्लियर कर देता हूं कि अभी तक फेसबुक की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, ऐसी कोई भी रूल नहीं निकला है जिसकी हेल्प से हम 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ऐड कर सके। ये फेसबुक का एक शुरू से ही रूल रहा है गाइस, फेसबुक पर हम ओनली 5000 फ्रेंड्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा फ्रेंड ऐड नहीं कर सकते। तो गाइस, आज की सिंपल सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल से ऐड फ्रेंड का बटन हटाकर फॉलो का बटन किस टाइप से लगा सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन आपको डायरेक्ट फॉलो करके आपका फ्रेंड बन जाए। बात वही रहेगी गाइस, जो भी पर्सन आपको फॉलो करेगा वो आपके वीडियोस, फोटोज, पोस्ट आसानी से वॉच कर सकेगा, उन पर लाइक्स, कमेंट्स शेयर कर सकेगा, आपको मैसेज कर सकेगा, एंड फेसबुक पर आप लोग एक फ्रेंड की तरह रह सकेंगे। एंड गाइस, यहां पर एक फायदा ये भी है कि अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलो का बटन लगा रखा है तो कोई भी पर्सन आपको फॉलो कर सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप 5000, 50000, 5 लाख फ्रेंड्स तक अपने फॉलोअर्स बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेकर चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, फटाफट सिंपल वे में बता देता हूँ कि ऐड फ्रेंड का बटन हटाकर किस स्टेप से अपनी प्रोफाइल पर फॉलो का बटन लगा सकते हैं, जिससे हम 5000 से ज्यादा फ्रेंड्स फॉलोअर के रूप में गेन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने फेसबुक ऐप में। ये मैंने अपना फेसबुक ऐप ओपन किया, उसके बाद हम लोग अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल ओपन करने के बाद गाइस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब कोई अननोन पर्सन हमारी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उसको किस टाइप का लुक शो होगा। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर व्यू एज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर्सन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन जब हमारी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको यहाँ पर ऐड फ्रेंड का जो बटन है वो यहाँ पर शो होगा। अब इस ऐड फ्रेंड के बटन को हटाकर किस टाइप से फॉलो का बटन लगाना है वो फटाफट सीख लेते हैं। तो यहाँ से फटाफट 2-3 बार बैक करेंगे, बैक करने के बाद अपने होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद गाइस आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा जो आपको प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का। तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर फंक्शन दिखेगा प्रोफाइल सेटिंग्स फॉर एहराम खान के नाम से, इस पर सिंपल क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जाना है प्रोफाइल प्राइवेसी पर, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक फंक्शन मिलेगा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इसको सिंपल यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस ओपन होंगे, एवरीवन एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो आपका ये एवरीवन पे सेलेक्ट होगा, इसको यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद गाइस एक बार और बैक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखेगा पब्लिक पोस्ट का। तो सिंपल पब्लिक पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पब्लिक पोस्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। मेक श्योर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को पब्लिक पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर सारे ऑप्शंस को पब्लिक पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है हु कैन फॉलो मी, तो मेरे यहाँ पे ये ऑलरेडी पब्लिक पर सेलेक्ट है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा हु कैन सी योर फॉलोवर्स ऑन योर टाइमलाइन। तो इसको यहाँ पर सिंपल पब्लिक पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर थोड़ा सा नीचे को जाएंगे गाइस तो आपको एक फंक्शन मिलेगा पब्लिक पोस्ट कमेंट्स। आपका यहाँ पर ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पर सेलेक्ट हो तो इसको यहाँ पर पब्लिक पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पब्लिक पर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पर एक फंक्शन और मिलेगा पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस का। ये यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सेलेक्ट है तो इसको यहाँ पर मैं एवरीवन पर सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पर एवरीवन पर इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करेंगे और आपको एक लास्ट फंक्शन और मिलेगा पब्लिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर ये मेरा फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सेलेक्ट है तो इसको सिंपल यहाँ से पब्लिक पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे और यहाँ पे आपको बैक का बटन मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से बैक कर देंगे।
बैक करने के बाद हमारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक सेव हो चुकी हैं और हमारा फॉलो का बटन लग चुका है। अब हम दोबारा अपनी प्रोफाइल में जाएंगे और चेक कर लेते हैं कि फॉलो का बटन लगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर दोबारा थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और व्यू एस का ऑप्शन जो है वो चेक करेंगे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी फॉलो का बटन लग चुका है। अब कोई भी अननोन पर्सन जिसके और मेरे बीच में कोई फ्रेंड्स नहीं होगा, जब भी कोई अननोन पर्सन मेरी प्रोफाइल पर विजिट करेगा तो उसके यहाँ पर फॉलो का बटन देखेगा, वो सिंपल यहाँ पर क्लिक करके मुझे आसानी से फॉलो कर सकता है। और इस टाइप से आप फेसबुक पर 5000, 5 लाख, 50 लाख जितने चाहें उतने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी वीडियोस मैं आपके लिए डे बाय डे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।